गुड आफ्टरनून बेटे. सो वी विल कंटिन्यू विद द पॉलीनोमियल्स चैप्टर एक्सरसाइज 2.5 वी वर डिस्कसिंग. ओके सो नाउ वी हैव डन द क्वेश्चंस रिलेटेड टू फ्यू आइडेंटिटीज. नाउ द नेक्स्ट वन व्हिच वी हैव टू डू इज द आइडेंटिटी ऑफ a plus b whole cube. a plus b whole cube. a plus b whole cube is what? a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. or hum isko likh sakte hain a cube plus b cube plus 3a square b plus 3 A, B square. अब depend करता है on the question that what type of identity we have to apply. ठीक है? Then we have A minus B whole cube. A cube minus B cube minus 3AB into A minus B. Or A cube minus B cube minus 3A square B plus 3AB square. अगर इस फॉर्म में लिखना है तो हर जगह माइनस है फर्स्ट टर्म को छोड़कर, वो तो ए क्यूब ही रहेगा. और अगर सेकंड फॉर्म में लिखना है देन ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. सो अगेन यस्टरडे आल्सो द सेम थिंग आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू लर्न द आइडेंटिटीज बाय हार्ट. आइडेंटिटीज के रट्टे आपको यूं लगे होने चाहिए देन इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस राइट. सो दिस इज द आइडेंटिटी. Now we have two more identities which is directly not mentioned prior to this exercise but jiski identity hamare question mein hi hai and that is see question number 9 mein wo identity given hai jisko aapne prove karna hai wo kaun si hai a cube plus b cube. I hope the board is visible. A cube plus B cube is A plus B into A square plus B square minus AB and A cube minus B cube is A minus B A square plus B square plus. Now this is different and that is different. ये क्या है? a प्लस बी होल क्यूब और ये क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब. दोनों आइडेंटिटीज डिफरेंट है. समटाइम्स दिया होता है 27x क्यूब प्लस 121y क्यूब. तो बच्चे आइडेंटिटी लगाते हैं वो वाली a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर b एंड देयर बाय योर क्वेश्चन गेट्स रॉन्ग बिकॉज दिस इज व्हाट दिस इज ऑफ द फॉर्म दिस 11, 9, 343 ले लो 7 का. a क्यूब प्लस b क्यूब यहाँ ये आइडेंटिटी लगेगी. तो ये चार आइडेंटिटीज हैं क्यूब वाली जिसको आपने लर्न करना है. दो तो बुक में गिवन है, दो क्वेश्चन नंबर 9 से आप देख सकते हो राइट. नाउ लेट अस डू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट. अब देखो बेटा आइडेंटिटी करवा दी है. जैसे मान लो आपके पास क्या है x माइनस 2/3y होल क्यूब. नाउ दिस इज वेरी इजी. आपने देखा ये कैसे क्वेश्चन है a माइनस b होल क्यूब का. आइडेंटिटी आपको पता होगी a माइनस b होल क्यूब. a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. a क्या है वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस. दिस इज वेरी मच इजी फॉर यू पीपल. ठीक है ओनली यू हैव टू लर्न द आइडेंटिटी. ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है x और b की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2/3y. माइनस नहीं लेना क्योंकि ये जो माइनस है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया है. यही फॉर्मूले की आइडेंटिटी है ना.
a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. So this minus sign, इस माइनस साइन के अकॉर्डिंग ही ये फॉर्मूला बना है, समझ आ गई? तो यहाँ पर जो बी की वैल्यू है वो बी मतलब ये डिस्पाइट ऑफ दिस साइन, तो बी की वैल्यू क्या है 2/3y, माइनस नहीं लेना, माइनस लोगे गलत हो जाएगा क्योंकि फिर माइनस आप ट्वाइस ले लोगे एक तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अगर माइनस लेना है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना. ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन डू. सिमिलरली नेक्स्ट टाइप आपके पास है जैसे 99 क्यूब, दिस इज व्हाट 100 माइनस 1 क्यूब, ऐसे ही कुछ भी आ सकता है 1007 क्यूब 1000. अब ये देखो, अब बच्चे क्या करते हैं 100 प्लस 7 क्यूब, चलो जी मान लो इसका क्यूब हो, तो दिस इज रॉन्ग. पानी है, मैं वापस रखती हूँ, थैंक यू. दिस इज व्हाट, दिस इज 1000 प्लस 7. सो ऐसी छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है. समटाइम्स वी गेट ओवर कॉन्फिडेंट एंड देयर बाय हमारा सम गलत होता है और तुम लोग ही ये गलतियां करते हो, ठीक है? सो फिर आपको आइडेंटिटी लर्न है तो आप सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, ये सिंपल है, इन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, आइडेंटिटीज डिस्कस कर ली हैं, आप सॉल्व कर सकते हो. किसी को कोई डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड. नेक्स्ट इज फैक्टराइज. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कंप्लीट विद दिस एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है? उसके बाद एक्स्ट्रा करेंगे ताकि एक बार इनसे भी गो थ्रू हो जाए, ये ना हो एक्स्ट्रा करें और एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन आ जाए वो आप कर ही ना पाओ. 8a cube plus b cube plus 12a square b plus 6ab square. जैसे बेटा आपके पास a plus b whole square का फॉर्मूला होता है, होता है ना, a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab. अगर लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म है तो आप राइट हैंड साइड की फॉर्म में आंसर देते हो, राइट हैंड साइड की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है तो आप लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में आंसर देते हो, है ना? इसी तरह से ये क्वेश्चन है. अब आपने क्वेश्चन को देखना है एंड देन यू हैव टू थिंक व्हाट टाइप ऑफ आइडेंटिटी इट इज. नाउ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस समथिंग ए स्क्वायर बी प्लस समथिंग ए बी स्क्वायर, क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ आना चाहिए और सब जगह क्या है प्लस, तो ये कौन सी आइडेंटिटी बनती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर यूजिंग दिस. नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब. इट मींस वी वांट आवर आंसर इन दिस फॉर्म. नाउ बट ये तो ए क्यूब, यहाँ ए क्या है, बी, बी तो बी है लेकिन ए क्या है, ए क्यूब, पूरे ए का क्यूब होना चाहिए, यहाँ सिर्फ ए का क्यूब है, ए तो ऐसे ही है. अब हम यहाँ किस चीज की बात कर रहे हैं, क्यूब की. अगर स्क्वायर होता है एट का, कल हमने किया था एट का स्क्वायर, तो एट को कैसे लिख सकते हैं, टू रूट टू का स्क्वायर, बट यहाँ क्या है, क्यूब. क्यूब इज वेरी सिंपल, एट इज द क्यूब ऑफ टू, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटे 2a होल क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी. ए क्या है, 2a, 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर. हमने उस फॉर्म में चेंज कर दिया, अब देखेंगे कि क्या सेटिस्फाई करता है. 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 ए स्क्वायर बी आता है, 3 2 जा 6, 6 ए बी स्क्वायर. आई होप एवरीवन ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो अब हमारा ये बन गया राइट हैंड साइड, एंड वेयर व्हाट इज आवर लेफ्ट हैंड साइड, ए इज 2a, बी इज बी, सो द आंसर विल बी
2a plus b whole cube, which will be written as 2a plus b, 2a plus b, 2a plus b. Okay. Next, now I'm going to write, solve करके देखो. चलिए बेटा कीजिए, शाबाश. रोल नंबर 49, रेज योर हैंड. हाँ जी बेटा, आंसर बोलो. एंड 3 - 5a, 3 - 5a, 3 - 5a होल क्यूब, सीधा बोलो. ठीक है, नाउ सी द आंसर इज 3 - 5a होल क्यूब. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट इट इज ऑफ व्हाट टाइप. ये राइट हैंड साइड कैसी है? a माइनस बी होल क्यूब की, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग बेटे. ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आने पेपर में, आउट ऑफ द वे कुछ डिफिकल्ट डिफरेंस नहीं आ जाएगा. ठीक है, अब देखो 27 को हम लिख सकते हैं a क्यूब माइनस 125 a क्यूब को 5a होल क्यूब. सो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3, उसके बाद ये जो लिखते हो ना 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर, वो अपनी a और b को देख के लिख लो, बाद में देखो सेटिस्फाई करता है कि नहीं, क्योंकि हम इसको नहीं स्प्लिट कर सकते, वो मुश्किल हो जाएगा. व्हेन यू केम टू नो अबाउट योर a एंड b, देन यू स्प्लिट a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर मींस 5a का होल स्क्वायर. अब देखो 3 3 9 9 3 27 27 into 5 is 135 minus 135 a ये हो गया 3 3 9 5 5 25 25 into 9 is 225 225 a square तो सेटिस्फाई होता ही होता है तो ये अब राइट हैंड साइड बन गई. और तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? a माइनस b क्यूब, जब भी तुम्हारा a क्या है 3 माइनस 5 a होल क्यूब, इसको स्थान कर दो. ठीक है, सिमिलरली यू हैव टू डू द रिमेनिंग पार्ट्स. ऑल द पार्ट्स वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, आई हैव टेकन वन और टू पार्ट, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू विल बी डूइंग. ये नहीं कि आपने छोड़ देने हैं. आफ्टर द क्लास टुडे टेक द अदर पार्ट्स, ट्राई टू सॉल्व, एक बार कर लोगे फिर पक्के हो जाएंगे क्वेश्चंस. देन नाइन्थ क्वेश्चन, वेरीफाई राइट, दीज आर द टू आइडेंटिटीज विच आई हैव जस्ट डिस्कस्ड. राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करके, यू विल गेट द लेफ्ट हैंड साइड. देन बेटे नेक्स्ट इज, चलिए ये कीजिए सारे बच्चे, शाबाश, डू इट. ओके अपरन, हरी अप अदर्स. Only 19 students are in the class. What to do? All that exercise, full exercise is based on the identities. And if you will not learn the identities, then who will help you? नहीं learn, कुछ नहीं, कोई help नहीं मिलती. अगर आप सोचो कि कोई help मिल जाएगी, चल identity पूछ लेंगे, no. कुछ नहीं पूछा जाता. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का छोटा सा फॉर्मूला नहीं पूछा जाता तो ये इतनी बड़ी आइडेंटिटी कहां से पूछोगे बेटा.
सो लर्न द आइडेंटिटीज. सो अब आप देखो, एंड अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस. ये अलग है, ये अलग है, ये 3 by, जैसे मैं आपको एग्जांपल, वैसे तो आपको क्लियर है, बट लेट मी टेक वन एग्जांपल सो दैट इट यू रिमेंबर द एग्जांपल. जैसे मान लो मैं लेती हूँ 7 + 5 होल क्यूब, 7 + 4 टोटल एग्जांपल ले लेती हूँ, 2 + 3 होल क्यूब, इट इज व्हाट 5 cube, विच इज इक्वल टू 125. और अगर मैं इसको खोलकर अलग अलग से लिखती हूँ, 2 cube + 3 cube, वो क्या है 8 + 27, दैट इज इक्वल टू 35. सेम नहीं है ना. तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं. ये आइडेंटिटी होती है, लगा देते हैं दूसरी वाली सीधा क्रॉस. ठीक है. सो बेटा a³ + b³, अब आपका a क्या है 3y और b क्या है 5y. यहां लिखोगे a + b, a² + b² - ab, 3y + 5z - 9y² + 25z² - 15y z. आंसर, दो स्टेप्स का आंसर है. ठीक है. इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें माइनस वाली आइडेंटिटी लगनी है. आफ्टर दैट नाउ बेटा देयर इज आइडेंटिटी नंबर 8 ऑन पेज नंबर 48, दैट इज a³ + b³ + c³ - 3abc इज इक्वल टू a+b+c, ब्रैकेट a²+b² + c² - ab - bc - ca. ये आइडेंटिटी है. इफ एवरी वन ऑफ यू आर हैविंग द बुक देन यू कैन सी ऑन द बुक. फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 11, 27x³ + y³ + z³ - 9xyz. फैक्टराइज, देखते ही पता चला हमें ये हमारी इस तरह की आइडेंटिटी है. 3x³ + y³ + z³ - 3 × a क्या है 3x × b × c. अब सीधा राइट हैंड साइड लगा सकते हो, a क्या है 3x, b क्या है y, c क्या है z, वहां फिल करोगे एंड यू कैन सॉल्व. ऐसे ही बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, वेरीफाई. वेरीफाई में आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड की ब्रैकेट ओपन करनी है, सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द लेफ्ट हैंड साइड. दिस यू विल बी गोइंग टू यू डू योरसेल्फ एज इट इज वेरी इजी. ट्राई करना, कोई डाउट होगा, कोई नहीं सॉल्व होगा तो पूछ लेना, अदरवाइज ऐसे होगा नहीं, सॉल्व हो जाना आपसे इजीली. देन देयर इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. इफ x + y + z = 0, देन शो दैट x³ + y³, ये ना बेटे ये हमने अभी शो करना है और ये आपको लर्न भी करना है कि अगर 3 numbers का सम 0 है देन उनके क्यूब्स का सम किसके बराबर होता है, 3 times इट्स देयर प्रोडक्ट. इफ x + y + z = 0 देन x³ + y³ + z³ = 3xyz. ये लर्न करना है आपने. ठीक है. अब हमने इसको प्रूफ कैसे करना है, z को उधर ले जाएंगे, x + y - z, देन क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूब करेंगे. अगर क्यूब करेंगे तो इसका होल क्यूब जाएगा, a + b होल क्यूब, a³ + b³
प्लस थ्री ए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। अब यहां पर वो आइडेंटिटी नहीं लगाओगे आप, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर खोल कर लगाने वाली नहीं करो लगाओगे। अगर खोल के लगाओगे फिर एनुअल फिर कॉमन ही लेना पड़ेगा क्योंकि वो लगाओगे तो सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। तो इसीलिए देखना पड़ता है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, वो वाली फॉर्म या ये वाली फॉर्म। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई, व्हाट इज एक्स प्लस वाई, अभी हमने किया था ना क्यूबिंग करने से पहले। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड, तो ये क्या हो गया माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। माइनस जेड क्यूब को इधर ले जाओ प्लस जेड क्यूब, और ये माइनस थ्री एक्स वाई जेड को उधर ले जाएंगे, ये बन गया प्लस थ्री एक्स वाई जेड। हैंस प्रूव। ऐसे ही आगे क्वेश्चन है जहां लिखा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग। I hope you have understood this. सारा डिटेल में करवाया हुआ है, आपने नोट भी किया हुआ है, so we are just revising. ठीक है? आगे बेटा आपके पास क्वेश्चन है, कहते हैं माइनस ट्वेल्व क्यूब प्लस सेवन क्यूब प्लस फाइव क्यूब, इसको इसका आंसर फाइंड करो बट कैलकुलेट नहीं करना हर एक नंबर का क्यूब। सो आपको कैसे करेंगे, तो आपको ये याद रखना है कि अगर आप ये सारा लिखोगे if x plus y plus z is equal to 0 then this is equal to then x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। अब आप देख सकते हो minus 12 cube को हटा के जो base वाले numbers है 7 plus 5 12 12 minus 12 is 0, this implies इसका answer क्या होगा 3 into minus 12 into 7 into 5 जो भी हो। any doubt, समझ आ गया यहां तक? आगे तो बहुत सिंपल है, कहते एक चलो करो फैक्टराइज। चलो बताओ मुझे फैक्टराइज करो, शाबाश। How to factorize by splitting the middle term? Hurry up. हाँ जी, अरे आप ओके आरजू, मैम 5a माइनस 4 एंड 5a माइनस 3। यस 5a माइनस 4 5a माइनस 3, हियर द सम इज माइनस 35 एंड द प्रोडक्ट इज 25 इनटू 12 that is 25 300। yes it is 300। now the two numbers, agar do numbers bhi aise ekdam se mind mein click nahi hote to beta aapko product ke factors banane hain। अब इन्हीं नंबर्स को एडजस्ट करके दो नंबर्स आएंगे 12
25, 3 to 6 to 12, नहीं 25 और 12, 35 नहीं बनाते. Then 5 3 to 15, 5 to 10 to 20. इनका प्रोडक्ट 300 है और इनका सम 35 है. लेकिन मुझे सम क्या चाहिए? माइनस 35. So it means I will take both the numbers negative. Right? 25 a square minus 20 a minus 15 a plus 12. 5 a common, 5 a minus 4 minus 3 common, 5 a minus 4. और कहते इसको इस तरह से लिखो इन द फॉर्म ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ. दो हो गए दो फैक्टर्स इसके. सो दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ. ठीक है. लेट अस टेक द ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स देन वी विल रीजॉइन.